रमणी 33 वेद की पुत्री सुमृत भाई सो जेवरी कर लेते ही आई। आप ही बड़ी आपन गरबंधा झूठा मोह काल को फंदा। बदवत बंधा छुरियो न जाई विशेष स्वरूप भूल दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा दास कबीर राम कही छूटा। राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रोष। सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की होश। वेद की पुत्री स्मृति भाई साहब कहते हे भाई ये स्मृतियां वेद की पुत्रियां वेदों में कर्मकांड के मंत्र अधिकतम और सरल ढंग से उस समय लगता है वो लोग यज्ञ करते होंगे। जब यज्ञों का विधान बढ़ा तो उसको व्यक्त करने के लिए ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथ बने। उसके पश्चात स्मृतियां बनी। स्मृतियां बहुत बनी लेकिन उसमें मन स्मृति सबसे ज्यादा संपन्न है। उसमें 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं और बहुत संदर्भी ग्रंथ है वो। वेद की पुत्री स्मृतियां वे जेवरी कर में लेकर के आई, बंधन हाथ में लेके आई हैं। आप ही बरी आपन गरबंधा। आदमी ने अपने हाथ से रस्सी बटी और अपना गला बांध लिया। झूठा मोह काल को फंदा। साहब कहती है मोह झूठा है और काल का फंदा है। स्मृतियां आदमी को बांधने के लिए आई। क्या ये सच है? क्या स्मृतियों में केवल बंधन है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है? ये प्रश्न हो सकता है। लैला मजनू विदिशिया ददरिया की किताब में भी कुछ न कुछ अच्छे अंश होते हैं। तो स्मृतियों में कोई अच्छी बात ही न हो ऐसी बात नहीं। स्मृतियों में अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। मन स्मृत में ही सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम ये मानो महामंत्र है। परवस्ता ही सब प्रकार दुख है, आत्म सुवस्ता ही सब प्रकार सुख है। लेकिन उनमें मानवता के बीच में भेद डालने की बातें बहुत हैं। जितनी स्मृतियां हैं सब की यही लीला है। जो संपन्न स्मृति है मनुस्मृति उसको लेकर के विचार किया जाए तो उसमें भी ये सारी बातें हैं। यद्यपि मन इत्यादि का नाम लेकर के पंडितों ने लिखा है। ऋग्वेद में मानव का पिता मन को कहा गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त में 114वें सूक्त में दूसरे मंडल के 33वें सूक्त में मन को मनुष्य का पिता कहा गया, मानव समाज का पिता। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के दहने बाएं कंधे से ब्रह्मा के दहने बाएं कंधे से मन और शत्रुपा हुए और मन शत्रुपा से सृष्टि आरंभ हुई। ये तो काल्पनिक है लेकिन सभ्यता के उषा काल में मन हुए हैं। उस समय वर्ण व्यवस्था और जातपात संबंधी घृणित भावनाएं थी ही नहीं और मनुस्मृति रचना ईसा के 100-200 वर्ष पूर्व है।
पाणिन के व्याकरण के अनुसार है। पाणिन उनसे 200 वर्ष और पहले हुए हैं। कौटली अर्थशास्त्रम और मनुस्मृति दोनों पाणिन के व्याकरण के अनुसार हैं। ग्रंथों की कसौटी करने से उनके काल का निर्धारण हो जाता है। तो मनुस्मृति की रचना ईसा से 100-200 वर्ष पूर्व है, तो मन कैसे बनाए होंगे? लेकिन ऋषियों का नाम लेकर के पंडितों ने भुनाया है अपनी मान्यता को, और ऐसी ऐसी घृणित बातें उसमें हैं बीच बीच में शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं के लिए, जो न्याय नहीं। कर्मकांड का पचड़ा अलग है। दो भयंकर दोष, एक तो मानव के बीच में भेदभाव की खाई, और दूसरा कर्मकांडों का चक्कर। कर्मकांड में विवेक विचार से कोई मतलब नहीं होता, बस कर्मकांड का विधान है। इस यज्ञ में इतनी लंबी चौड़ी वेदी बनेगी, इतनी खुटिया गाड़ी जाएंगी, और सोमरस का पात्र यहां रखा जाएगा, इतनी रोटियां पकाई जाएंगी, इस ढंग से हवन किया जाएगा, इस ढंग से पशु मारा जाएगा, इस ढंग से उसका मेदस निकाला जाएगा। कोई विवेक विचार से मतलब नहीं, बस उनका प्रपंच है। इन प्रपंचों की पुष्टि कर्मकांडों की और जात पात की भावना को लेकर के मनुष्य के बीच में भेदभाव डालना, ये बहुत दुखद है। और इसका प्रपंच सब स्मृतियों में है। साहब ने कहा कि वेद की ये पुत्रियां हैं स्मृतियां। साहब कितना उसके भेद को जानते थे, ये बीजक पढ़ करके समझा जा सकता है। वेदों के कर्मकांड और जो पीछे से कल्पनाएं हुई, यद्यपि वो वेद को तो दोष नहीं दिया जा सकता कि वेद में वो सब थे, पीछे से अब बहुत बढ़ाया गया है जात पात की भावना। तो ये मानो रस्सी अपने हाथ में लेके आई है स्मृतियां। आदमी ने स्मृतियों की रचना की और मानो रस्सी बटी और अपने गले में बांधी। पुरोहित लोगों ने केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया, ऐसी बात नहीं, स्वयं भी बेवकूफ बने, क्योंकि उन संस्कारों में जकड़े होने की वजह से वे स्वयं भटकते रहे। ब्राह्मण के घर में ही जब बच्चा पैदा होता है और 27वां पढ़ता है, वो भी परेशान होता है, वो भी उसको भी विश्वास है कि 27 दिन तक बच्चे का पिता उसकी आवाज न सुने, और 27 कुआं का पानी, 27 जंगल का लकड़ी, और 27 का चक्कर, 27 ब्राह्मण की पूजा और भोजन, और एक कलश जिसमें 27 टोटियां हो उसमें तेल भर करके, और पूजा का जो चक्कर है वो सारा चक्कर वो ब्राह्मणों के मध्य भी पड़ता है। अपना भी बेवकूफ बने, दूसरे भी बेवकूफ बने। तो अपने हाथ से गले में रस्सी बांधी, स्वयं बटा और बांधी। साहब कहते झूठा मोह काल को फंदा, ये मोह झूठा है और काल का फंदा है। वेदों के बनाने वाले तुम, स्मृतियों की रचना करने वाले तुम, कर्म कांडों के प्रपंचों का विस्तार करने वाले तुम, जात पात की भावना भी प्रकट करने वाले तुम विचार करो कि वास्तविकता क्या है, और हर चीज को अपना बनाया और दैवी मान करके बड़ व्यवस्था मनुष्य ने बनाई, फिर कह दिया प्रभु रचित है। कौन से प्रभु ने वर्ण व्यवस्था की अवधारणा की? मनुष्य ने कल्पना की, और मनुष्य उसके चक्कर में पड़ करके भटकाव में पड़ा। ऋग्वेद में एक बार ये बात आ गई कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण हैं, हाथ से क्षत्रिय हैं, जंघे से वैश्य हैं, पैर से शूद्र हैं,
अब इसका विस्तार तो होना ही था। तो शूद्र को पैर से पैदा ही होने की बात नहीं किंतु पैर से रगड़ने की भी बात आई। और ये कहावत हुई बेरहा बतियाएं शूद्र लतियाएं, बाढ़ को बत्ती बांधो, बाढ़ लगा दिए और ऐसे स्वतंत्र है तो कोई पशु घुस जाएगा, लेकिन बत्ती बांध करके कस दो दोनों तरफ से तब पशु नहीं जाएगा। तो बेरहा बतियाएं और शूद्र लतियाएं, शूद्र को लतियाओ पीटे रहो तब वो ठीक रहेगा, नहीं सिर उठाएगा। ये धर्म के नाम पर हुआ। धार्मिक जो लोग थे वो ऐसा कहते थे कि शूद्र के घर में वस्तु न होनी चाहिए, उनके छप्पर में छेद होना चाहिए जिससे पानी बरसे तो घर में वो बैठ न सके, आकर के दरवाजे पर कोई रस्सी बटे, कोई टोकरी बनाए, कोई कुछ करे, काम करे। अगर नीचू घर रहेगा तो वर्षा होगी, वो घर में सोएंगे। अगर उनके घर के पिछवाड़ी जगह होगी कुम्हड़ा बोने के लिए भी तो उसमें 10 मिनट लगा देंगे, उसका बाड़ बनाने के लिए, भौरने के लिए, पानी छोड़ने के लिए। उनके घर के पिछवाड़े कुम्हड़ा बोने के लिए भी जगह न हो, बिल्कुल निराधार हो, हरदम पैर चूमते रहे हमारे, ये सब वर्ण व्यवस्था का विकार इतना बढ़ा बढ़ाते बढ़ाते ऊंच नीच की भावना कि हिंदू समाज का ही विनाश हो गया और गैर हिंदुओं का प्राबल्य भारतवर्ष में इसीलिए हुआ। इन वर्ण व्यवस्था की पाखंडी प्रपंच को इस्लाम और ईसाई मत ने चुनौती दी और इस्लाम ने तो काफी प्रभाव डाला और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को अपना बनाया। और ये हिंदू नेता बेवकूफ बने बैठे रहे, जब कोई मुसलमान के साथ बैठ गया हिंदू तो कहा तुम मुसलमान हो गए, अब तुम हिंदू नहीं, ऐसा एक कमजोर बने। तो भेदभाव की भावना स्मृतियों ने खूब बोया। साहब कहते झूठा मोह काल को फंदा, ये प्रभु वचन का झूठा मोह है। आर्ष पुरुष ने कहा है, आप्त पुरुष ने कहा है और ये त्रिकालज्ञ ने कहा है, इसलिए इसको मानना चाहिए। झूठा फंदा, झूठा मोह और काल का फंदा, कल्पना का बंधन है। बदबद बंधा छुरियो न जाई, बांधने को तो गला बांध लिया, आप छुड़ाए छुटती नहीं, वो फांसी छुट नहीं रही। जात पात की गंदगी मनुष्य के दिमाग में इतनी गहराई से धंस गई है कि आज के विज्ञान युग में जबकि काफी उदारता बढ़ी है तब भी वो उसकी दुर्गंधी पूरी निकली थोड़े है। पूरी क्या, अभी बहुत अवशेष है। और माने बैठे ये शूद्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, करनी कुछ पता नहीं, करनी से कोई मतलब नहीं, बस मान मान करके। ये भूल ही जाना चाहिए कोई शूद्र है कोई ब्राह्मण है, मनुष्य है बस और कुछ नहीं। तो बांधने तो गोला बांध लिए, अब छुड़ाए छुटता नहीं। विशेष रूप भूल दुनियाई, दुनियाई नाम दुनियादारी के लोग, संसार के लोग विशेष रूप में भूल गए, विषय को ही स्वरूप मान लिए, स्वरूप उनको पता न रहा। स्वरूप तो अपना रूप है जो चेतन है, विषय नहीं है, लेकिन विषय को ही स्वरूप मान लिया, देही को स्वरूप मान लिया, देह के नाम रूप वर्ण आश्रम इत्यादि को अपने में सत्य करके मान लिया और उसी में भूल गए। हंस देह तज न्यारा होई ताकि जात कहे धो कोई, स्याह सफेद किराता पीरा आवरण वर्ण की ताता सेरा, हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा नारी पुरुष का करो बिचारा। साहब कहते हंस शरीर छोड़ के जब अलग होता है तो उसको क्या कहोगे, कौन सी जात कौन से वर्ण के कहोगे। ये सब बातें हमने अपने चित्त से उतार दिया, स्वरूप ज्ञान न रहा। सबके अंदर में जो हंस है
वो क्या है? ब्राह्मण है कि शूद्र है? हिंदू है कि मुसलमान है? वो तो हंस है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन विषय स्वरूप भूल दुनिया ही, ये दुनिया के लोग विषय ही अपना स्वरूप मान लिए, देह ही अपना स्वरूप मान लिए। और देह भी माने तो देह तो हाड़ चाम का सबका है, और क्या उसमें रखा है? हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम के छूटा। साहब कहते हमारे देखने में तो सारा जगत लूट गया और लूटा जा रहा है। हमरे देखत सकल जग लूटा, हमरे देखत से मतलब विनम्रतक भाव है, मेरी समझ से। हमरे देखत मतलब मेरी समझ से तो ऐसे लगता है कि सारा संसार अपने को लूटा दिया, अविवेक में पढ़ करके अपनी वास्तविकता को भूल गए। एक को बिना शुभ गुण के ही घमंड हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, और एक को मिथ्या ही अपने में हीन भावना आ गई कि मैं छोटा हूं। ये अपने आप को लुटा देना है, अपनी गरिमा को भूल जाना है। जो हंस चैतन्य सर्वोपरि है, वो अपने को कैसे ऊंच नीच की भावनाओं में सड़ा डाला। दास कबीर राम के छूटा। साहब यहां व्यंग करते हैं उपासकों पर कि दास कबीर उपासक लोग तो राम कह करके भवबंधन से छूटना चाहते हैं। इसका भेद जानना चाहिए। बीजक में साहब ने अपने नाम को अन्य वचन के रूप में भी प्रयोग किया है, एक जगह नहीं किया है, अनेक जगह किया है। इसमें ऐसी अनेक जगहें आई हैं जहां पर उन्होंने दास कबीर कहें कबीर कहें कबीर और अनेक प्रयोगों में किया है अपने नाम का वर्णन। 86वां शब्द में कबीरा कबीर कहीं कबीर अनेक प्रकार से कहा है, तो अपने नाम को उन्होंने अन्य वचन के रूप में भी प्रयोग में लाया है। और इस शैली को न समझ करके सीधा सपाट अर्थ लोग कर देते हैं, दास कबीर राम कहीं छूटा। कबीर दास तो राम राम भजन किए और इसे कहे हम छूट गए, लेकिन आगे क्या कहते? राम ही राम पुकारते जिब्बा परिगो रौस, राम राम जपते जपते तुम्हारी जीभ में घट्ठे पड़ गए, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हंस, पात्र में स्वच्छ शीतल जल रखा है उसको पीते नहीं हो, तुम कहते हो हम कुआं खोदेंगे तब पानी पिएंगे। काहे कुआं खोदोगे काहे पानी पियोगे? पानी रखा है पी लो। राम को तुम खोज रहे हो, राम राम कह करके जीव को परेशान कर रहे हो। अरे स्वयं स्वरूप ही राम है, रट क्या रहे हो? तुम स्वयं हो। तो इसका उत्तर तो यही सामने ही है। कई जगह ऐसा उत्तर नहीं रहता है, लेकिन जो बीजक के मर्मी है वह उस अर्थ को समझ सकते हैं। अब जो अपनी भावना को उसमें रखना चाहते हैं उनको ऐसे प्रसंग अनुकूल पड़ जाते हैं। दास कबीर राम कह छुआ, ये उपासक लोग राम राम कह करके बंधन छूटना चाहते हैं, लेकिन राम राम कहते घट्ठे पड़ गए, राम न मिला। राम तो तू ही है और उसको जप करके पाना चाहता है। सुधा जल पीते नहीं खोद करके पीने का हौसला है। सुधा शुद्ध स्वरूप तुम्हारा अपना ही है, खोजना नहीं है, जपना नहीं। अगर जपना तो अपने को, उसमें कोई जीव हिलाने की जरूरत नहीं, किंतु अस्मृत में आना है, सावधान होना है।